What's up, Stress Family, and welcome to today's episode of Back Scratch by Sexes. That's right, and today we will be listening to Shikwa Side B, an album by Talha Yunus, executive produced by Joke. तो इसमें से दो गाने हमने सुन रखे हैं. पहला जो आदत है उसका हमने जो ओरिजिनल वर्जन था वो सुन रखा है, बट एल्बम पे अकूस्टिक वर्जन है इफ आई एम नॉट रॉन्ग. एंड डोंट केयर जो सिंगल था उस पर हमने वीडियो बना रखा है. सो वी आर हियर टू लिसन टू द होल एल्बम एक फ्रेश माइंड सेट के साथ. हम सोचेंगे कि हमने कुछ गाना सुना ही नहीं है. एज एन एल्बम फ्रॉम द बिगिनिंग टू द एंड हम उसको सुनेंगे, बिंज करेंगे, यू नो हाउ इट गोज. एंड देन वी गोना टॉक अबाउट द ट्रैक्स, द अरेंजमेंट्स, म्यूजिक, लिरिक्स एंड द होल थिंग, यू नो. या भाई, वन थिंग आई वॉज कन्फ्यूज अबाउट इज वाई इज साइड बी बींग रिलीज फर्स्ट. यूजली क्या होता है, पुराने टाइम में जब सीडीज आया करते थे या कैसेट्स आया करते थे एल्बम्स के, तो अगर तुम्हारे घर पे वो वाला कभी रहा होगा कैसेट प्लेयर जिसमें वो ऐसे रेक्टेंगुलर छोटे कैसेट्स होते थे ऐसे, तो एक साइड से उसको घुसाओगे तो एक सेट ऑफ गाने आएंगे, घुमा के अगर पीछे का साइड घुसाओगे बैक साइड तो दूसरे सेट ऑफ गाने आएंगे. उसलिए एल्बम में साइड ए और ऑपोजिट साइड साइड बी हुआ करता था. बट आई डोंट अंडरस्टैंड व्हाई ही आई डिडंट अंडरस्टैंड व्हाई ही रिलीज साइड बी फर्स्ट. एंड देन एवरीबडी टोल्ड मी कि इट्स प्रॉब्ली बिकॉज साइड बी में ही इज कमिंग अप विद अ मोर मेलो साइड ऑफ हिज म्यूजिक. साइड ए में एकदम मतलब वो एकदम हार्डकोर यूनिस एकदम रैप रैप रहेगा. स्पेकुलेट ये किया जा रहा है, बाकी अब सुन के हम वी आर गोना फिगर आउट व्हाट्स गोइंग ऑन. विदाउट फर्दर डू वी आर गोना जंप शेयरिंग टू इट राइट नाउ. दिस इज बिग स्क्रैच बाय सेक्स एंड वी आर लिसनिंग टू शिकवा साइड बी बाय यूनिस एंड जोके. फर्स्ट ट्रैक इज आदत अकूस्टिक वर्जन. लेट्स गेट इट. ओहो हो अपने पास व्हाइट बोर्ड है, इफ यू टॉक अबाउट एनीथिंग इन डिटेल्स, एनीथिंग इंट्रिकेट. मस्त फासले बढ़ते गए, यस आई रिमेंबर दिस. पढ़ते रहे बाहों में लिए इन ख्वाबों को, इन कांटों पे चलते रहे, जख्म खुद भरते रहे, लहरों से करते गले डूबे सिर्फ तेरी खातिर हम, वो जाम आगे करते रहे. लहजे तो काफी है शायद तेरे आदि हैं, समंदर ये लफ्जों का जैसे वो बहते हुए साकी हैं. तू लहू भी रग रग से वाकिफ भी, जज्बे रखा बस सदाकत भी, हिकमत भी और है नजाकत भी. न जाने तू कितनों की चाहत थी, मुझे तेरी आदत सी लगे सब बनावटी, डूबी ये चाहत थी, मुझे तेरी आदत थी. सो आई थिंक जो वीडियो जो ओरिजिनल सॉन्ग था उसमें जो वोकल्स थे सेम वोकल्स यूज किए गए यहाँ पे. जो गिटार्स और पियानो यूजर है वो अलग से कंपोज करके इसमें बिठाया गया. आई डोंट इवन थिंक कि इस पे जो प्रोग्रेशन है जिस तरीके से जो म्यूजिक है इसमें, सिंपल लैंग्वेज जो म्यूजिक है, इट्स आई डोंट थिंक इट्स द सेम एज द ओरिजिनल वन. No, that does not make sense. What I'm trying to say is, इसमें technical होना ही पड़ेगा. What I'm trying to say is, जो chord progression original track पे use हुआ था ना, इसमें अलग से arrange किया गया उस पूरे चीज़ को. It's not just मतलब जितना मेरे को याद है, आदत have not listened to आदत उसके बाद जब मैंने पहली बार सुना था, but I feel like इसमें जो arrangement है पूरा अलग नए तरीके से किया गया है. The vocals are the same, इसमें guitars और pianos use हो रहा है. And also one thing that is common is the vocal sample that is being used. जो original में जितना मेरे को याद है, I was like a year and a half ago or something, मैं UK में था जब मैं सुन रहा था ये गाना. So उसमें जो vocal chop था वो like that's the main link between that version and this version. It's interesting कि जो original था वो album पे नहीं है, बट अकूस्टिक वर्जन है. प्रॉब्ली साइड ए में नॉर्मल वर्जन है और इस पे अकूस्टिक वर्जन. दैट कैन बी. आ जाओ भाई, इट्स अ डिफरेंट वाइब. आई लव इट. इट्स अ ग्रेट वे टू स्टार्ट एन एल्बम. तेरी आदत थी, लेट यू बी अ चाहती, मुझे तेरी आदत थी. क्या ये जश्न मेरी हार का है, सारे लोग मुझसे हार खाएं, क्या ये ख्वाहिशों का मार का है या सर तेरे जहर का है. वही गिले वही शिकवे, बेकरारी जब न दिखते, तेरे हुस्न की तारीफों में ही बिखरे, दिलकश दिल नशी क्या क्या लिखते. शामें आधी हो चुकी वो बातें याद रही, क्या करूं तेरे लिए अब मैं बात बड़ी. दिन तो गुजर जाते लगती हर एक रात बड़ी,
जला दे जमाने को वो आग भरी, अशकों से दरिया ये भर गए। ओए दिन तो गुजर जाते हैं, लगती है ये रात बड़ी। ब्रो दिस इज द थिंग अबाउट लिसनिंग टू अ सॉन्ग एक टाइम में, और फिर लाइक गिविंग इट सम टाइम एंड लिसनिंग टू इट वंस अगेन लेटर इन योर लाइफ। मतलब देयर आर डिफरेंट थिंग्स दैट हिट यू, देयर आर डिफरेंट, अलग तरीके से तुम चीज परसीव करोगे। शिट, नाउ दैट आई एम इन अ डिफरेंट जोन राइट नाउ एज कम्पेयर टू व्हेन आई वाज इन यूके, जब मैंने सुना था इसका दूसरा वाला वर्जन, तब मैं उस जोन में था जहाँ पे मतलब दिन बड़े लगते थे और रात गुजरते नहीं थे। एंड लाइक राइट नाउ व्हेन आई एम उसको क्रॉस करके, अब मैं जब यहाँ आ चुका हूँ एक बेटर जगह पे, तो व्हेन आई लुक बैक एट इट, आई रियलाइज कि भाई दिस यूज टू हैपन। तो गुजर जाते लगती हर एक रात बड़ी, जला दे जमाने को वो आग भरी, अशकों से दरिया ये भर गए, समझे हम लहरों से डर गए, ना चाहते हुए भी बिछड़ गए, फिर से तुम मुंह पे मुकर गए, मुझे तेरी आदत सी, मुझे तेरी आदत सी। क्या गिटार है यार, लगे सब बनावटी, ये डूबी ये चाहती, मुझे तेरी आदत सी, मुझे तेरी आदत सी। सो मुझे जो लग रहा है, जो कॉम्पोजिशन है ना, उसमें जो बेसिकली अरेंजमेंट में क्या होता है, देर हैज टू बी अ कॉर्ड प्रोग्रेशन, जिसमें मतलब कॉर्ड्स बज रहे हैं, 3 या 4 कॉर्ड्स बज रहे हैं, उसके ऊपर कुछ मतलब गिटार लिक्स या कुछ बज रहे हैं। सो यार अगर मैं इसको सुन के बताऊं, थिंग इज मुझे तेरी आदत सी, करके एक पीछे एक ऐसे मतलब देयर स्लाइड्स ऑन द गिटार व्हाटएवर। सो व्हाट ही हैज डन इज जो कॉर्ड प्रोग्रेशन है दैट इज बीइंग, वो एकदम स्टीरियो होके पूरा स्पेस को फिल कर रहा है, और जो गिटार पे लिक्स है ना वो कभी कभी इधर पैन हो रहे हैं, कभी कभी इधर पैन हो रहे हैं, दैट्स गिविंग अ वेरी लाइक बहुत एक पानी के फ्लो जैसा फीलिंग दे रहा है कि द वॉटर इज फ्लोइंग अक्रॉस यू, और उसके साथ लाइक ही सिंग व्हाट ही सिंग। दैट्स जस्ट अ वेरी इंटरेस्टिंग वे ऑफ अप्रोचिंग, मतलब मिनिमल है, प्रोडक्शन बहुत मिनिमल है, देयर इज जस्ट कीज जो शायद मोनो में है, देयर इज द कॉर्ड प्रोग्रेशन ऑन द गिटार्स जो स्टीरियो कर रखे हैं, जो पूरा ऐसे वाइड होकर फिल कर रहा है स्पेस को, और जो गिटार पे लिक्स बज रहे हैं उसको लेफ्ट से राइट पैन किया जा रहा है उसके साथ वोकल्स है, मतलब मिनिमम एलिमेंट से पूरा एकदम इट्स इतना इमर्सिव एक्सपीरियंस बना है, नॉट अ लॉट ऑफ पीपल कैन डू दैट। तेरी आदत सी, लेट यू बी अ चाहती, मुझे तेरी आदत सी। ये जो कुछ कुछ नोट्स बज रहे हैं इसको, देखो ये एक पियानो है जो बज रहा है, मुझे तेरी आदत सी। इसको जो लास्ट में किया ना, इसको बोलते हैं रिवर्ब वॉश, दिस इज कॉल्ड अ रिवर्ब वॉश। अब देखो यार मैं बार बार बोल रहा हूँ, आई एम नॉट, मतलब मैं सिर हिलाने के लिए नहीं आता, जितना तुम बोल लो जो भी बोल लो कमेंट्स में, मतलब इट्स सैडनिंग दैट पीपल, सम पीपल स्टिल डोंट अंडरस्टैंड व्हाट आई एम ट्राइंग टू डू ओवर हियर। दिस चैनल इज नॉट फॉर दैट, दिस इज अबाउट डिस्कसिंग म्यूजिक, गेटिंग इन टू द इंट्रिकेट डिटेल्स ऑफ इट, ठीक है। दैट बींग सेड, जो लास्ट में किया उसको बोलते हैं रिवर्ब वॉश, जहाँ पे जो व्हेन ही सेड नहीं, जो वोकल सैम्पल चल रहा था उस पर रिवर्ब बढ़ गया बट जो वॉल्यूम था वो कम गया, सो इट साउंड्स लाइक पानी आके मतलब पूरा फेड अवे कर दिया गाने को। दैट्स अ वेरी नाइस वे टू एंड द ट्रैक, इंटरेस्टिंग वे टू एंड द ट्रैक। बट थिंग इज, इट्स माय रिक्वेस्ट लाइक टू ऑल आर्टिस्ट प्रोड्यूसर्स और इवन पीपल हु एंजॉय म्यूजिक, हाँ कि इट्स योर चॉइस बट दैट्स हाउ आई डू इट, ट्राई एंड लुक इन टू द लेयर्स की मतलब वॉट इज मेकिंग द ट्रैक, इट्स इंटरेस्टिंग, इट्स लाइक तुम देखोगे एक गाने में 5 लेयर्स है जिससे एक गाना बन रहा है, ठीक है, जो मैं अभी बताने वाला हूँ आदत में क्या क्या लेयर्स मुझे लगे थे, बट इट्स लाइक इट डजेंट टेक अवे द एक्सपीरियंस ऑफ द ट्रैक, इट्स नॉट लाइक यू आर गेटिंग टेक्निकल, बिकॉज बस 5 लेयर्स, वो 5 लेयर को ऐड करने से गाना नहीं बनता है, देयर इज लाइक अ सोल टू इट,
सो इट वुडन टेक एनीथिंग अवे फ्रॉम योर एक्सपीरियंस, इट जस्ट मेक यू और हेल्प यू अंडरस्टैंड द ट्रैक बेटर, और तुम ज़्यादा परसीव कर पाओगे जब अगली बार सुनोगे. सो फ्रॉम आदत आई फील लाइक लास्ट में एक पियानो बज रहा था, सो देर इज अ पियानो बेस, पियानो कॉर्ड्स बज रहे हैं, गिटार पे आरपीजीओ हो रहा है, एक पियानो बेस है, गिटार पे कॉर्ड्स का आरपीजीओ हो रहा है, गिटार पे लिक्स बज रहे हैं, एक वोकल चॉप है और वोकल्स हैं. सो दीज आर द फाइव लेयर्स विच आई थिंक आर द टेन, दैट्स इट भाई, दैट्स इट. उसी को अरेंज करके एक इतना इमर्सिव एक्सपीरियंस बनाया है जो कभी कभी प्रोड्यूसर ड्रम के साथ भी नहीं कर सकते. लाइक यू ऐड इन द ड्रम्स, यू ऐड इन लॉट ऑफ पर्क्स एंड शेकर्स एंड दिस एंड दैट, एंड स्टिल इतना फिलिंग एक्सपीरियंस नहीं होगा जितना मतलब जो कि डिड विद जस्ट दीज फाइव एलिमेंट्स. उसमें एक वोकल चॉप है, उसमें एक तो वोकल ही है उसमें जो थोड़ा थोड़ा बज रहा है. So that's the genius of a producer. It's like, and also people misunderstand or people confuse the difference between a producer and a beat maker. A beat maker is just a guy who's like putting elements together, making a beat. A producer who is someone who's responsible for the whole track. So मतलब beginning from the whole vision of the track to the idea of the track to मतलब टू सीइंग द ट्रैक टू द फिनिश, कि एकदम लास्ट तक जैसा मैंने अपने दिल में दिमाग में सोचा था गाना वैसा वहां तक पहुंचा ही कि नहीं. अ प्रोड्यूसर इज दैट, सो देयर इज अ ह्यूज डिफरेंस बिटवीन अ प्रोड्यूसर एंड अ बीट मेकर. मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट ट्रैक, हार्ट बीट भाई यूनिस जो कि वंस अगेन लेट्स गो. दुनिया सोचूगी वो आगे भी सलाने ना दे, यादें रोकती वो कहती है बहाने ना दे, दुनिया बोलती वो आड़ वाले गाने दो दे, छोड़ा ही नहीं कुछ कैसे होगी आने में देर, खुद दुनिया घूमती और बातें भी घूम. एक मिनट भाई, ओए वो कहती है बहाने ना दे, दुनिया बोलती वो आड़ वाले गाने दो दे, छोड़ा ही नहीं कुछ कैसे होगी आने में देर, खुद दुनिया घूमती और बातें भी घुमाने ना दे, तेरे आगे अपनी अना कभी आने ना दे, तेरे लिए सब कुछ. आई एम नॉट वन ऑफ दम, आई कैन अश्योर आई एम नॉट वन ऑफ दम जो बोलते कि हार्ड वाले गाने तो दे. इट्स नॉट, आई जस्ट नो यूनिस इज नॉट जस्ट अबाउट यू नो दोज फास्ट फ्लोज एंड अग्रेसिव रैप, इट्स नॉट दैट. बट मैंने लास्ट वीडियो में भी आई वाज सेइंग कि दिस, जब मैंने डोंट केयर पे एक वीडियो बनाया था अलग से, एंड मैंने उस पर अलग से वीडियो बनाया था, आई डिड द सेम थिंग फॉर ओपन लेटर टू भाई. आई डोंट नो व्हाई, इट्स बिकॉज द बायस इज इन, जो ये बोल रहे हैं ना कि यूनिस को अलग से देखा जाता है, अंडर रेटेड है, पीपल डोंट गिव हिम अटेंशन, इट्स बिकॉज तुम्हारे अपने दिमाग में वो चीज़ है. इट्स नॉट दैट ब्रो, ओपन लेटर में भी मैंने वही किया था, डोंट केयर इज अ सिंगल, दैट्स व्हाई आई मेड अ वीडियो ऑन डोंट केयर फर्स्ट एंड देन पूरा एल्बम मैं बिंज कर रहा हूँ. इट्स नॉट दैट डीप भाई, बट माई पॉइंट इज मैंने उसके वीडियो में बोला था कि आई आई फील लाइक यूनिस का जो वो प्राइम, वो जो मतलब एफर्ट के साथ जो था ना लिरिसिज्म डिलीवरी एंड द लाइक द होल यूनिस वाला वाइब, वो कहीं पे खो रहा था. आई वाज सीइंग काइंड ऑफ दिस लेजनेस टेक ओवर आई फील लाइक इन अ लॉट ऑफ हिज फीचर्स. इट्स नॉट अबाउट अग्रेसिव रैपिंग और मेलोडिक रैपिंग, आई जस्ट फील लाइक वो कहीं पे मिसिंग था. एंड राइट नाउ व्हेन आई एम लिसनिंग टू हार्ट बीट एंड व्हेन आई एम लिसनिंग टू डोंट केयर, इट्स लाइक दैट्स व्हाट आई डोंट वांट यू टू यू नो डू रैपिडी रैप, मतलब करो, करना जो भी है वो भी करो. इट्स लाइक आई डोंट, इट्स नॉट लाइक कि बस वो तेज वाला रैप ही करना है, जस्ट पुट योर हार्ट इनटू योर म्यूजिक, दैट्स ऑल आई वांट फ्रॉम एनी आर्टिस्ट ऑनेस्टली. छोड़ने पर जाने ना दे, तू नहीं तो मैं नहीं, कभी समझाने दो दे, क्या इंतजार मेरी मौत का है, तेरा काम मेरे शौक सा है, तू वो पेड़ जिसकी शाख सा मैं, खाली मैदान तेरे खौफ सा मैं, बट यू डोंट वांट टू गो. इतना ज्यादा इमोशनली कॉम्प्लेक्स है ये लाइन ना भाई. Shit, bro. Shit, man. Shit, man. Fuck. But यार मैं कुछ तो बोलने वाला था, I forgot. Moving on. हाँ, मैं बोलने वाला था कि ये जो यहाँ पे गिटार बज रहे हैं, सो दिस इज कॉल्ड एन आरपीजीओ. लेट मी टेल यू व्हाट एन आरपीजीओ इज सिंपल लैंग्वेज में. तो कॉर्ड, ठीक है, सबसे पहले होता है नोट,
एक फॉर एग्जाम्पल अ सी और अ डी, डी शार्प और एन और वट एवर ए वट एवर एफ जो भी है, दैट्स वन नोट. और जब तुम ऐसे तीन नोट्स को एक साथ बजाते हो, सो देर इज अ नोट. और जब एक नोट से जब तुम तीन नोट एक साथ बजाते हो, तो इट्स गिविंग एवरी नोट इज गिविंग रेफरेंस टू द अदर टू नोट्स. ठीक है, सो इट्स लाइक अ वेरी इट बिकम्स फिक्स्ड. जैसे एक पॉइंट, इफ यू आर टेकिंग वन पॉइंट, वो कोई डायरेक्शन नहीं देता है. सोन इज यू टेक टू पॉइंट्स, ये लाइन वाला जियोमेट्री से जो भी है लाइन वाला रेफरेंस है. सिमिलर इन म्यूजिक थ्योरी, वेन यू पुट इन थ्री नोट्स एट द, वेन यू प्ले थ्री नोट्स एट द सेम टाइम, वो कॉन्स्टेंट हो जाता है बिल्कुल, क्योंकि दिस इज द इमोशन ऑफ ऑफ द मेलेडी दैट इज कमिंग आउट. तो जब तुम ये तीन नोट एक साथ बजाओगे, दैट कैन बी कॉल्ड अ स्ट्रम. जब तुम गिटार पे तीन नोट्स एक साथ बजा रहे हो, दैट्स कॉल्ड स्ट्रमिंग अ कॉर्ड और प्लेइंग अ कॉर्ड. बट अगर तुम इन तीनों नोट्स को यू आर प्लेइंग इन ऑल्टरनेटिवली और इन अ सीक्वेंस, जैसे तुम ये ऐसे करके बजा रहे हो, एक के बाद एक, एक के बाद एक, इन वट एवर सीक्वेंस, 1 3 2, 1 3 2, 1 2 3, 1 2 3, जैसे भी सीक्वेंस में बजा रहे हो, दैट्स कॉल्ड आरपीजिएटिंग अ कॉर्ड. इट्स लाइक अगर दिस दिस इज द कॉर्ड, राइट, दिस इज एन ए माइनर फॉर एग्जाम्पल, दिस इज एन एफ. ठीक है, आई एम स्ट्रमिंग अ कॉर्ड राइट नाउ, कि एफ के जो तीनों नोट्स हैं उन तीनों नोट्स को एक साथ स्ट्रम कर, बट व्हेन आई आरपीजिएट दिस कॉर्ड इट विल साउंड लाइक दिस. सो वो जो नोट्स हैं सेम नोट्स बज रहे हैं, बट वो सीक्वेंस, मतलब एक के बाद एक किसी सीक्वेंस में बज रहे हैं. इट्स नॉट लाइक ऑल ऑफ देम आर बीइंग प्लेड एट द सेम टाइम. सो यहाँ पे वही आरपीजीओ बज रहे हैं, देखो. पानी सर पे चढ़ता जा रहा, बज रहा था ओए, अंधेरों को निगलता जा रहा, मैं जानू तेरी वापसी नहीं, ये घर भी अब घर सा ना रहा, हम सुनाएंगे अब हंसते खेलते, वो मुस्कुराए मेरे आले दिल पे, मुंह छुपाएंगे ना तुझसे मिलके, बेशक हो चुके हो टुकड़े दिल के, ना उम्मीदी कहती काम कर, अब जायदाद मेरे नाम पर, खुद को छोड़ आया चांद पर, मेरी जिंदगी आसान कर, but you don't wanna go. I know you skip a heartbeat. Yeah, baby, I don't know what's love, but it's the only thing that I need. ये देखो यहाँ पे जो बज रहे हैं ना नोट्स, ये दैट्स एन आरपीजी, वो बहुत रिवर्ट बज रहा है, छोड़ दो. Once you start doing this, like there's no going back, भाई. When I listen to music sometimes, or when I figure out all these elements, it's a different experience, भाई. जब मैं बोल रहा हूँ, it sounds this technical. It's not like in your head गाड़ी चलाने जैसा होता है. Naturally, you'll figure out all the different elements, and वो अलग level पे you'll start perceiving music, भाई. And I want people to feel what I feel, bro. आ जाओ, दिल लगी. Next track, Yunus Jokhe. That's probably a reverse piano यहाँ पे जो बज रहा है. शायद मर जाए आने पे, शायद भिदक जाए जाने पे, जो वादे किए वो निभाने दे, शायद खफाए जमाने से, वो आते नहीं अब बुलाने पे, हम जाते नहीं हर मेखाने पे, जख्म कब भरते छुपाने से, मिटते नहीं हूँ मिटाने से, क्या चुन चुके अब रास्ते, तेरे ना धान जी रहे हैं तेरे वास्ते, बने हुए हम भी खाक से, जाना भी है खाक में तो कला मेरी बाट दे, अना को हम मार के फिर आए हैं दीदार पे, बुरी कुछ आदतें बिगाड़ा तेरे प्यार ने, अब मेक मूव जैसे जिंदगी है शतरंज, किस्मतें बदल देते हैं सिर्फ एक चाल से, ये रातें अधूरी क्या तेरी कमी वो बातें अधूरी रह गई, ये मौसम बदलते पर मिलते नहीं, सांसे बा मुश्किल ये चलती रही, दिल लगी ये
दिल लगी दिल लगी फिर मिल कभी। भाई देखो लिरिक्स पे अगर कुछ बोलने जैसा रहेगा ना, आई एम गोना पॉज एंड टॉक अबाउट द लिरिक्स। टिल नाउ आई एम जस्ट अब्सॉर्बिंग, आई डोंट फील लाइक मतलब ऐसे कुछ there's anything to break down or talk about it, like in an intricate manner. But in the music, मेरे को जो लगा something जब beat drop हुआ ना, मेरे को it sounded a little unfamiliar to me. मेरे को नहीं लगा कि ऐसा beat मैंने कभी सुना है, like the drums. और अभी सुनते सुनते मेरे को पता लगा कि usually क्या होता है, there's kicks and then snares जो आते हैं ऐसे कि यार एक तो इस पर noise suppression on रहता है, आधी चीज़ें जो मैं बोलता हूँ यहाँ पे won't be able to hear what I'm saying. But जो किक्स होता है, किक्स होते हैं फिर ड्रम्स होते हैं ऐसे कि अबे यार तो क्या हो गया मेरे को आज, कुछ बोलना था हाँ बोल कुछ और रहा हूँ, पावर कट हो गया, मेरा दिमाग खराब कर दिया। तो ऐसे एक किक आएगा, ये किक है, और फिर इस पे ऐसे स्नेयर आएगा, फिर किक आएगा स्नेयर आएगा ऐसे करके, अबे यार सो किक आएगा स्नेयर आएगा किक आएगा, सो दिस इज यूजुअली अ बेसिक पैटर्न। ऐसे नॉइज सप्रेशन ऑफ करो, प्रॉब्ली देयर इज नॉइज राइट नाउ दैट यू आर हियरिंग। फॉर एग्जांपल यहां पे अगर इफ आई शो यू लाइक दिस, सो जो किक है तो ऐसे करके यहां पे फॉर एग्जांपल स्नेयर आ रहा है, ठीक है। सो क्या होता है जब स्नेयर बजता है ना, उसके साथ किक यूजुअली बजता नहीं है, ठीक है। सो व्हाट दिस गाय जो हैज डन ओवर हियर इज जब स्नेयर भी बज रहा है ना, उसके ऊपर भी देयर इज अ किक बीइंग प्लेड ऑन टॉप ऑफ द स्नेयर। तो मेरे को एंड इट्स नॉट इवन अ स्नेयर, इट्स प्रॉब्ली अ स्नैप या ए क्लैप ऐसा कुछ बज रहा है। सो इट्स लाइक द स्नेयर एंड किक इज बीइंग प्लेड एट द सेम टाइम। तो जो किक है वो दैट इज डोमिनेटिंग द साउंड। एक बार ध्यान से जब बीट ड्रॉप हो रहा है इसको सुनो, देखो दिल लगे जहां पे ये स्नैप हो रहा है, फिर मिल कभी उसके साथ भी किक बज रहा है, तो इट्स वेरी किक डोमिनेटेड। ये हकीकत ये ख्वाब देख रहा हूँ, बादलों पे बैठा तेरी राह देख रहा हूँ, धूप से मैं हाथ सेक रहा हूँ, बेवफाओं के बाजार में वफा बेच रहा हूँ, बेगुनाह देखता हूँ बेपनाह लिखता हूँ, बेहिसाब छेकते बेनकाब फिरता हूँ, बेवफाओं के बाजार में मैं वफा बेच रहा हूँ, फुल ऑन लॉस बिजनेस ब्रो, देख रहा हूँ बेवफाओं के बाजार में वफा बेच रहा हूँ, बेगुनाह देखता हूँ बेपनाह लिखता हूँ, बेहिसाब छेकते बेनकाब फिरता हूँ, धुआं भरा क्या मैं आग फेंकता हूँ, गरम ये मिजाज पर लिहाज रखता हूँ, शिफा जैसे लफ्जों में रहते अब नजरों में जान डाली, पत्थरों में भागे नहीं खतरों से, आशिक मेरी गजलों के शुरू किया नज्मों से, देख मेरी नजरों से शोर बड़ा वो आवाज दे रहे, टूटा ग्लास जैसे बिखरे पड़े कांच बड़े, जानते हैं रास्ते रे आते बाज नहीं याद रहे लिबास तेरे, ये रातें अधूरी क्या तेरी कमी, वो बातें अधूरी रह गई, ये मौसम बदलते पर मिलते नहीं, सांसें बामुश्किल ये चलती रही, दिल लगी ये दिल लगी दिल लगी फिर मिल कभी। एक्सपेरिमेंटेशन आफ्टर अ पॉइंट ना, थोड़ा सा मतलब थोड़ा इट मोनोटोनस लगने लग जाता है, मतलब the melodies it feels like the same melody is on different chords, it's the same melody on, so melodically mere ko lagta he has more space to experiment and he also has the talent to experiment definitely isse bahut zyada, but wo mere ko I just feel like karo Yunus bhai karo bhai, we are here sitting waiting for it. Moving on to the next track bro, bol. I feel Adat was a very nice way to start the track. Agar Adat ka normal version side A mein rahe, that would be an interesting way ki kaise like there's the same track same lyrics but in two different vibes and two different compositions both sides of the album. Next track Bol, Yunus Jokesh Are.
you're asking for closure. I don't know, kyun itni khor. Tu le bas mera naam, jo bhi chahiye muh par bol. Ye aankhe apni khol. I'm knocking at your door. Hai kisko kitna hosh. Kabhi kuch muh pe bol. We go up, up and up, 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 up. Wo baatein sab hoti sach, magar not much. They always change, dikhta sab. Tu mudke dekh, I need some love, yeah. Yaar, ye melody to. Ek to mera memory itna bekar hai, bhai. But this. Okay, I'm really expecting lyrics, yeah. I am expecting lyrics that hit me. But shayad this is the wrong album to look into because this is more melodic. But yeah, melodic mein Eunice has done lyrical stuff. Don't care pe hi hai, yaar. I don't know. I want something that touches my heart, bhai. Okay, so I'm just looking into the music and. Up, wo baatein sab hoti sach, magar not much. They always change, dikhta sab. Tu mudke dekh, I need some love, yeah. It's probably some Travis song or something, yaar. I have listened. Ye itna familiar lag raha mere ko melody, yaar. You probably, you guys remember right now. Mere ko bata do comments mein niche, yaar. It's some time, don't call me on my line. Like a diamond in the dirt, I do the grind and match your shine. Aise nahi mila mujhe cosign. Baaton pe khud ki abhi bhi hu qaim. Scars on my neck, main karun. So that's a good line, you know, that like a diamond. My line, like a diamond in the dirt, I do the grind and match your shine. Aise nahi mila mujhe cosign. Baaton pe khud ki abhi bhi hu qaim. Scars on my neck, main karuni mind. Pasand jo mujhe, I'm making it mine. And I got the juice and I got the vibes. Main pehnu bas suit, don't fuck with no ties and shit. Wo bante hai muh pe anjaan, par pata hai sab. Magar ye batayenge nahi chupane ke. Na share going in. Jo sas wo ne gumayenge sahi. Saino pe laga hai zang, hum khayenge nahi tars aur tujhe rulayenge bhai. Bas mujhe chahiye mili locket, gold aur chains bhi badi. Lakhon deals aur pockets bhari. Hey, Shar is going in, bhai. Shit, bhai. Eunice, bhai. You need to do your thing on this track, bhai. She asking for a closure, par kyun aati itni close? Tum kehti you love loving me, so love me thoda aur. Oh, bhai, ab mere ko samajh aaya, like she's asking for closure, but par kyun aati itna close? God damn it, I got answer the questions. Girl, you should make your mind cute to hoti damadol, and I'm never switching side. It's ride or die for my bros. She asking for a closure, I don't know kyun itni cold. Nahi. Eunice said something else, and Share said something else in the hook. That was not even the hook. That's just Share using the hook to end his verse. What is Eunice saying? She's looking for some closure, but kyu? Closure, I don't know kyu itni khor. I don't know kyu itni khor. I don't know kyu itni khor. बस मेरा नाम जो भी चाहिए मुंह पर बोल. Eunice, do your thing on this track, bro. ये आंखें अपनी खोल. I'm knocking at your door. है किसको कितना होश. कभी कुछ मुंह पे बोल. खुद से खफा भी हूँ, तुझसे जुदा भी हूँ. सोचू अब क्या कहूँ, तेरी खता जो हूँ. मैं तेरी रजा भी हूँ, जीने की वजह भी हूँ. वो खत हुए क्या पुराने, जो अब मैं सजा लगूं, फसाने सुनाता रहूं खुद को. यार ये want the punchlines to hit, bro. Like when he's saying जीने की वजह भी हूं. वो खत हुए क्या पुराने, जो अब मैं सजा लगूं. वो खत हुए क्या पुराने, जो अब मैं सजा लगूं. यार
यार जब सेटअप खत वाला है तो पंच लाइन खत वाला क्यों नहीं है ब्रो? आई जस्ट फक मैन, इट्स प्रॉब्ली, पता नहीं, मैं डिल्यूजनल हूं कि मैंने कभी, आई डोंट नो ब्रो, आई जस्ट फील लाइक देयर इज मोर टू दिस एंड वो आ नहीं रहा है भाई. और एक तो ये इट्स ऑलवेज मी भाई, ये इट्स ऑलवेज मी हु इज आउट हियर नॉट बींग अ यस मैन एंड टॉकिंग अबाउट थिंग्स. भाई लोग सिर हिला के चले जाते हैं एंड लाइक नो बडी इज टेकिंग लाइक टेकिंग ऑफेंस टू दैट, एंड आई एम हियर टॉकिंग अबाउट थिंग्स जो ऑनेस्टली मेरे को लगता है, बिकॉज आई केयर अबाउट आर्ट एंड आई केयर अबाउट पीपल हु हैव दैट पोटेंशियल एंड दैट टैलेंट भाई. एंड मैं बोल देता हूँ एंड देन आई एम द वन इन ट्रबल. यार फक योर हेल्थ डूड. अगर इफ यू डू यू गाइज फील लाइक इज दिस हिटिंग अवे, यार आई डोंट नो मैन, आई डोंट नो. आई मतलब आई होप आई एम नॉट कमिंग ऑफ एज डिसरिस्पेक्टफुल, बट आई रियली आई डोंट इवन फील, आई जस्ट बिलीव एंड आई एम कॉन्फिडेंट कि यूनिस हैज गॉट मच मोर टू हिम. आई डोंट नो क्या हो रहा है. तेरी रजा भी हूँ, जीने की वजह भी हूँ, वो खत हुए क्या पुराने जो अब मैं सजा लगूं, फसाने सुनाता रहूं, खुद को लोगों से छुपाता रहूं, अपनी ही बातें घुमाता रहूं, आशिक कर महफिल डुबाता रहूं, आशिक नहीं मुनाफिक थे जो सारे वो तो बोल पड़े चले, अपने बाप को डुबाने मेरे बोल बड़े पाले, मैंने साफ साले झोलियों में झोल बड़े किया तुझे, माफिया कहानियों में रोज बड़े, क्या बताऊं कि दिल कहाँ है मंजिल कहाँ है, बड़े इंतजार है कभी आके मिल साहिल किनारे, मेरे दर पे सारे आगे हल बता रहे, क्या खूब नजारे फूल खिलते जा रहे, मुझे सब पता है चढ़ो लड़ पे सारे, छुपते नहीं झूठ और ये सच छुपा रहे, क्या ही बदले रूप जब रब गवा. फूल खिलते जा रहे सारे मेरे लंड पे, सारे फूल खिलते सारे फूल खिलते जा रहे, मुझे सब पता है चढ़ो लंड पे सारे, फूल खिलते जा रहे मुझे सब पता है मेरे लंड पे सारे. मतलब इट्स मैन, आई शुड जस्ट शट द फक अप. आई फील लाइक आई शुड शट द फक अप. अभी आके मिल साहिल किनारे, मेरे दर पे सारे आगे हल बता रहे, क्या खूब नजारे फूल खिलते जा रहे, मुझे सब पता है चढ़ो लड़ पे सारे, छुपते नहीं झूठ और ये सच छुपा रहे, क्या ही बदलेंगे रूप जब रब गवाए, दुनिया खराब है बदल नहीं सकती है, दुनिया है मतलब ही सारे यहाँ वक्त ही, सुनाते नहीं अपनी पर सुनते हैं सबकी, दिल की बातें मैंने दिल में रख ली, क्या लिखूँ तेरे बारे में सारे बोले ये पागले में, खुदा के सारे पे छुपा किसी खजाने में, कुछ लिखूँ तेरे आने पे कुछ लिखूँ तेरे जाने पे, कुछ गलतियां मिटाने दे कुछ गलतियों को जाने दे. She asking for a closure, I don't know क्यों इतनी cold. बस मेरा नाम जो भी चाहिए. ऑनेस्टली यार मतलब एनी बडी वॉचिंग दिस वीडियो, मैं पोल डाल दूंगा, पता नहीं वॉट टू डू. इफ आई एम कमिंग ऑफ एज अ हेटर भाई मेरे को बता दो. मैं कभी मतलब आई डू नॉट मीन डिसरिस्पेक्ट टू एनी आर्टिस्ट, डेफिनेटली नो डिसरिस्पेक्ट टू यूनिस भाई, बट इफ आई एम कमिंग ऑफ एज डिसरिस्पेक्टफुल, आई एम नॉट गोना, यू नो, इफ यू फील लाइक आई शुडेंट, तो मैं नहीं बनाऊंगा वीडियोज यूनिस भाई पे ब्रो. आई एम बिकॉज मैं अपने टाइम पे अपना सुन लूंगा ट्रैक्स आई लव, बट इफ यू फील लाइक आई एम कमिंग ऑफ एज डिसरिस्पेक्टफुल, आई एम नॉट गोना मेक वीडियोज. बट मैं यहाँ पे आके ना, मैं आई जस्ट कांट लाई इट, आई कांट डू इट भाई. आई नो दिस इज अ इशू बिकॉज आई एम ऑल्सो एन आर्टिस्ट, आई एम एन अपकमिंग आर्टिस्ट इन द इंडस्ट्री एंड दिस माइट कॉज प्रॉब्लम्स फॉर मी लेटर ऑन, बट आई डोंट नो, ये डिलेमा है भाई मेरे अंदर. मतलब ऑन वन हैंड I'm here and I'm trying to, you know, do justice and be honest to art, be honest to music. On the other hand, I'm trying to, you know, make music at the same time. And you need contacts, you need a good reputation in the industry to, you know, isme ye. So it's like both of them clash with each other at the same time. I can't be a yes man. I can't be here and main yahan baith ke bas kuch bhi gana sun ke aise. I can't be like, haan bhai, badhiya ho raha hai, badhiya. I can't do that, bro. I cannot do that, bhai. Matlab, आई होप अगर इफ यूनिस भाई इफ यू आर वॉचिंग दिस वीडियो, ऑफ जोके ब्रो, इफ यू आर वॉचिंग दिस वीडियो, आई होप यू अंडरस्टैंड वेर आई एम कमिंग फ्रॉम. फकिंग हेल ब्रो, मतलब आई सच अ डिलेमा, आई डोंट नो व्हाट टू डू विद दिस शिट. आई जस्ट नो ही इज गॉट मोर टू हिम. साइड ए सुनेंगे ब्रो, साइड ए सुनेंगे इसके बाद. एंड फकिंग हेल भाई, इट्स वेरी इजी टू डू दिस शिट. कॉमेंट सेक्शन में यू हैव लाइक 10 डिफरेंट अकाउंट्स, पता नहीं क्या क्या नाम के, एंड यू कॉमेंट द कॉमेंट सेक्शन. You hate on an artist, you do the same thing on Twitter. It's very easy to do that. But I understand that there's so many people watching me. We have this community over here and I have the responsibility, you know, to be respectful and to be careful with what I say. And I'm trying to do that, honestly, trust me. Lekin bhai ye, main jhoot nahi bol sakta bhai. Agar mere ko kuch pasand nahi aa raha, agar mere ko lag raha hai ki there's more to it, if I feel like some artist jisko maine aur better
जिसके मैंने और बेटर वर्शन सुने हैं. इट्स नॉट इवन जस्ट द रैपिडी रैप पार्ट. लिरिकली मैंने बस आई कांट भाई, आई मतलब आई कैन नॉट कम हियर एंड जस्ट बॉब माई हेड एंड बी लाइक हाँ हाँ जो भी हो रहा है बढ़िया. आई कांट बी अ फकिंग मंकी, कांट डू दैट शिट. इफ यू फील लाइक दिस इज डिसरिस्पेक्टफुल जस्ट लेट मी नो योर कॉमेंट्स में. आई एम गोना यू नो आई जस्ट वोंट लिसन टू. अगर किसी भी आर्टिस्ट पे देयर्स बिन आर्टिस्ट हुम आई रिस्पेक्ट बट लोगों को लगा है कि आई हैव बिन डिसरेस्पेक्टफुल टू देम. अगर एंड आई हैव नॉट मेड वीडियोज ऑन दोज आर्टिस्ट लेटर ऑन. मैं अपने पर्सनल लाइफ पे सुनता हूँ, आई डोंट डू दैट ओवर हियर. बिकॉज अगर आप लोगों को लग रहा है कि आई एम हियर ट्राइंग टू बी डिसरिस्पेक्टफुल और हेटर, आई डोंट हैव टाइम इन माई लाइफ टू बी हेटर टू एनी बडी. डूड आई एम आउट हियर डीलिंग विद माई ओन शिट. आई एम ट्राइंग टू मेक लाइक डू माई ओन थिंग, वर्किंग ऑन माई एल्बम वट एवर. बट आई डोंट हैव टाइम टू जस्ट मतलब वीडियो चला के 1.5 घंटे के लिए जस्ट टॉक ट्रैश ऑन सम आर्टिस्ट हुज पुट हिज लाइफ इन टू दिस शिट. डूड आई डोंट हैव टाइम टू लाइक हेट ऑन समबडी हुज डूइंग द सेम थिंग एंड इज मेड इट. जो मैं करना चाह रहा हूँ इस बंदे ने कर रखा है वो ऑलरेडी. बट एट द सेम टाइम आई कांट बी अनफेयर टू यू नो अनफेयर टू माई सेल्फ, अनफेयर टू आर्ट एंड बी अ फकिंग लायर, बी अ फकिंग मंकी एंड कम आउट हियर एंड बी लाइक बढ़िया हो रहा है. आई कांट डू दैट शिट. सो बस मेरे को वो बता दो आई वोंट बी लिसनिंग टू हिज म्यूजिक आगे से. मतलब कोई भी इफ द आर्टिस्ट टेल्स मी, इफ द मेजोरिटी ऑफ द फैन बेस टेल्स मी लाइक आई वुड रियली वॉन्ट टू लिसन टू हिज म्यूजिक आउट हियर. बट इट्स बिन अ वेरी लॉन्ग टाइम व्हेन आई फील लाइक आई एम कमिंग ऑफ, मतलब आई एम गिविंग ऑफ द रॉन्ग इंप्रेशन एंड आई डोंट वॉन्ट टू डू दैट. तो आई एम जस्ट सो कन्फ्यूज भाई कि करना क्या है. मूविंग ऑन नेक्स्ट ट्रैक देख ले भाई. क्या डिलेमा है ब्रो, फकिंग हेल भाई. दिल दुखाए सवाल करते वो बेतुके, मुंह छुपाए वो मुस्कुराएगी देख के. दिस इज व्हाट आई एम टॉकिंग अबाउट डूड. मेलोडीज ब्रो जस्ट लाइक ही हैज द केपेबिलिटी टू डू डिफरेंट मेलोडीज. नाउ दिस इज अ डिफरेंट मेलोडी. रिमेंबर दैट वन हुक दैट ही हैड ऑन खानाबदोश, वेयर आई वाज लाइक भाई बंदा गा तो सकता है. आई वाज लिसनिंग टू दैट ट्रैक विद माय सिस्टर एंड बोथ ऑफ अस वी वर लाइक भाई ये बंदा ही कैन सिंग सिंग भाई. सो कमिंग फ्रॉम देयर व्हेन आई एम सीइंग कि हर गाने पे सिमिलर मेलोडीज, इट्स जस्ट यार ये कहाँ है. सो हियर वी आर भाई, दिस इज व्हाट आई वांट, न्यू फ्रेश मेलोडीज भाई. ठीक है भाई, ठीक है भाई. दिल दुखाए सवाल करते वो बेतुके, मुंह छुपाए वो मुस्कुराएगी देख के. जा भी जाए अब सारे तस्वीरें खींचते, क्या बताएं जब सब पता है खुद देख ले. कभी किनारा कभी वेव बनू, कभी सहारा कभी देखता रहूं. भूखे नंगों की क्या जेब बनू, आजा तू भी काम ले ले, आजा तेरा सेट बनू. वो चाहे क्लिक्स तो मैं बेड बनू, लॉयल तो क्यों ड्रेक बनू, स्केप तो क्यों डेव बनू. भले मीठे तो मैं वेट करूं, मैं नहीं लेता. ओ भाई 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 क्या हो गया. स्केप्टा ड्रेक डेव क्या क्या नेम ड्रॉप्स हो गए ब्रो. एंड डूड डेफिनेटली व्हेन दिस ट्रैक इज ऑन दिस एल्बम डेफिनेटली ये लोफाई मेलो वाला एल्बम नहीं. आई डोंट थिंक सो. यूजुअली क्या होता है साइड ए में जो ट्रैक्स होते हैं दोज आर द बेस्ट ट्रैक्स चोजन आउट ऑफ द, मतलब जब एक एल्बम बनता है फॉर एग्जाम्पल 12 गाने होंगे एल्बम पे, 20-25-30 गाने बनते हैं, उसमें से बेस्ट चूज करके उनको ए साइड में रखा जाता है, फिर जो नेक्स्ट बेस्ट है उनको बी साइड में रखा जाता है. So that gives me hope. Now when I think about it like that, that gives me hope. Ki yaar, this is not even the tracks, like this is not even the best. And then, bhai, I hope it really is like that. Ki side mein best of the best hai, and ye second best tracks hai. But here you go. He's actually rapping his shit, like rapping and aur wo bhi, he's not doing the fast flows. He's taking it slow. Ekdam. मतलब ग्रूवी सा बीट है, इज टेकिंग इट स्लो ऑन द रैप शिट. बट यार नेम ड्रॉप हुआ, व्हाट द फक हैपेंड. कभी किनारा कभी वेव बनू, कभी सहारा कभी देखता रहूं. ओए मैं कभी किनारा बनू कभी वेव बनू भाई. भूखे ना गोकी क्या जेब बनू, आजा तू भी काम ले ले, आजा तेरा सेट बनू. वो चाहे क्लिक्स तो मैं बेड बनू, लॉयल तो क्यों ड्रेक बनू, स्केप तो क्यों डेव बनू. भले मैं लॉयल तो मैं क्यों ड्रेक बनू. So it's like I'm probably saying I'm loyal to the game and I can't just do it for the clicks, can't do it for the streams, just for the streams. So I'm loyal to the game, so why would I, you know, sell my values and just be a pop star like Drake?
आई गेस दैट्स व्हाट ही मींस, बट आई डोंट अंडरस्टैंड स्केप्टा ड्रेक, स्केप्टा और डेव में बीफ है क्या? आई डोंट नो अबाउट दैट, सो इज लाइक अगर मैं स्केप हूं तो मैं क्यों डेव बनूं? मीठे तो मैं वेट करूं, मैं नहीं लेता साइड, तभी साइड है मैं फेड करूं, जो मेरे लिए फैक्ट जाना, तेरे लिए व्यूज, तेरे लिए बैग जाना, मेरे लिए भूख, मेरे जैसा ढूंढ करूं सालों को स्कूल, मैं सिर्फ करूं रैप जब भी होता मेरा मूड, और यू वांना बी अ बैड बिच, ढूंढे जंगलों में कैक्टस, सारे शोज लगे प्रैक्टिस, girl you know I never had shit, झंडे सारे लाल तो फिर रहो सारे दूर, पहले नहीं हाथ कभी होगी ना ये भूल, मेरी सब दुआएं खुदा करेगा कबूल, I would rather die but I never lie to you, you wonder how I know girl I just know, I know when I'm wrong you can let me know, मतलब ही है यहाँ सारे लोग, रहने दो छोड़ जाने दो, नेमुल बदल तेरा है ही नहीं, माना तेरी जैसी कोई है ही नहीं, बोले अब पता है तुम पहले नहीं, तो मेरी जान तू भी पहली नहीं, कड़क जैसे कोकेन लगे मुझे दो दिन, ले ले बेशक 100 दिन करना पाओ सोखेन, हसद वाले 2-3 सुनने वाले शौकीन, पूरा साल बिना काम पे गए टॉप 10, दिल दुखा सवाल करते वो भी पूरा साल बिना काम फेंके हम हैं टॉप 10 ब्रो, सबके बस की बात नहीं है ब्रो, दिस इज द यूनिस दैट आई वांट भाई, दिस इज द यूनिस दैट आई वांट भाई, लेट्स गो, पूरा साल बिना काम फेंके टॉप 10, दिल दुखा सवाल करते वो बेतुके, मुंह छुपाए वो मुस्कुराएगी देख के, जा भी जाए अब सारे तस्वीरें खींचते, क्या बताए जब सब पता है खुद देख ले, बोलो भाई सवाल क्या ख्याल भी है, अपने काम सारे टाल दिए, गिने बिना साल लिए, गिने क्या मचाल लिए, अलग है साइड क्योंकि अलग है मूड, सबसे अलग मेरा स्टाइल, मेरी केडेंस, मेरे शूज पहनू जी शौक वो भी गोल्ड, कैसे कल्चर से हो दूर, भागे पीछे चप्पल छोड़ के, तंग आया हुआ है क्रू, नो हाइप तुझे सैर लगे मेरी थोड़ लाइफ, पूरा शहर मेरे साथ बोलता है, I know everything that baby you don't like, alright, कंठों की ये flight, 30 minutes on the mic, girl you wanna pick a fight, you know I just wanna vibe, तो फिर क्यों ना रहूँ high, जब अंजाम ही जुदाई जो भी लिखी, घंटों की ये flight, 30 minutes on the mic, मतलब is he saying it's a 30-minute set and I'm taking like an international flight for a 30-minute set, probably talking about Dubai और अबू धाबी, जहाँ पे लाइक देयर वाज दिस कॉन्फ्रेंस और दिस मीट एंड आर्टिस्ट वर परफॉर्मिंग प्रोबब्ली, ये फ्लाइट 30 मिनट्स ऑन द माइक, गर्ल यू वांना पिक अ फाइट, यू नो आई जस्ट वांना वाइब, तो फिर क्यों ना रहूं हाय, जब अंजाम ही जुदाई जो भी लिखी वो बिताई, इससे आई मैं सच्चाई नहीं मांगी कोई सफाई, जाना छोड़ दे दिल छोड़ के, देखो दिस इज व्हाट आई एम टॉकिंग अबाउट, लाइक मेक द पंच लाइन फिट इन विद द सेटअप, लाइक व्हेन ही सेड ये कलम में बस सच्चाई वाला, वो बिताई इस सिहाई में सच्चाई, हाँ इस सिहाई में सच्चाई है, जो भी लिखा है वो मैंने बिताया है, सो इट्स लाइक व्हाटएवर आई हैव रिटन इन दीस सॉन्ग्स आई हैव एक्चुअली बीन थ्रू दैट शिट, और इस सिहाई में उसलिए बस सच्चाई, व्हाटएवर आई राइट ऑन दैट पेपर इट्स ओनली ट्रूथ, सो द बोथ द लाइक द पंच द सेटअप एंड देन द पंच लाइन बोथ ऑफ दीज गो हैंड इन हैंड विद ईच अदर, आई फील लाइक पिछले एक दो ट्रैक्स में वो मिस हो रहा था कहीं पर, आई हैव सीन ये चीज अभी रिसेंटली हैज स्टार्टेड, जहाँ पे यूनिस इट्स लाइक विद एवरी लाइन ही इज सेइंग समथिंग समथिंग न्यू, लाइक हर लाइन एक सेटअप एंड द पंच लाइन नेवर कम्स, इट्स लाइक वो हिट नहीं करता कभी आके, इट्स बिन लाइक दैट फॉर अ कपल ऑफ ट्रैक्स, आई वाज लाइक यार यूनिस डूड लाइक इट्स अबाउट द पंच लाइन फॉर यू भाई, मतलब व्हाट्स रॉन्ग, हियर वी आर, प्लीज जाना छोड़ दे दिल छोड़ के भी तोड़ दे, मैं रहूं काम तेरा रोड रेज, मेरी खामोशियों का शोर देख, गिर चुके मगर सवाल थे खड़े, अपनी यादें क्यों उधार दे गए, कैसे कर्ज ये उतार दें तेरे, शायद फर्ज जो तू प्यार से गए, तशरी कर दें क्या रातों की, बनती तस्वीरें आंखों की, आज तेज है उन सांसों की, बदली तकदीरें हाथों की, करना चाहूं बात सिर्फ लगे तुझे शायरी, कैसे आग तू इस दिल की बुझाएगी, करोगे याद तो हर बात याद आएगी, मेरे बात जाना किसको सताएगी, दिल दुखाए सवाल करते वो बेतुके, मुंह छुपाए वो मुस्कुराएगी देख के, इजी अब तक का नंबर वन है भाई, 500 ट्रैक्स में नंबर वन है, क्या बताएं जब सब पता है खुद देख ले, दिल दुखाए सवाल करते वो बेतुके, मुंह छुपाए वो मुस्कुराएगी देख के,
जा भी जाए अब सारे तस्वीरें खींचते, क्या बताए जो सब पता है खुद देख ले। And with the horns, भाई, easy number one ये track, bro. Easy, अब तक का of these five tracks, easy number one, bro. हसीन। निकले वो घर से सब नजरे वहीं, वो सबसे हसीन, थोड़ा रहम कर ए दिल नशीन। okay. या ले चल गई जितनी वो जालिम में उतना सखी, वो माने नहीं, थोड़ा रहम कर ए दिल नशीन। तू सबसे हसीन, दिल जलाना पड़ा, फिर से उन गलियों में जाना पड़ा, तेरी अदाओं ने क्या ना किया, मर भी गए और पता ना चला, जख्म जले दाग खाए भी बहुत, दिल लगा कर पछताए भी बहुत, बातें वो हमसे छुपाए भी बहुत। What the hell, Yunus भाई, man fell in love and then his heart मतलब heart broke, और मतलब कुछ तो हुआ है background। I listened to a lot of heartbreak things in his tracks here and there, and मतलब what is up भाई, tea दो मेरे को अगर किसी को पता है dude, because in a lot of tracks I've seen that like he's been talking about heartbreak and how like this girl and क्या चल रहा है ब्रो। कैसे आती किसी शहर को मौत, जाने जहाँ बस गई तू कहाँ, ढूंढूं इन लफ्जों में तुझको मैं क्या इल्तिजा किसको सब है पता, कोई दे दुआ कोई मुझसे खफा, रहूं अपनी धुन में क्या गजलें नहीं सुनते, क्या लिखूं मैं उन पे जो कागज मेरे चुनते, मायरों में शामिल मगर मेरे सबसे खुल गए, क्या देखे पीछे मुड़ गए। निकले वो घर से सब नजरे वहीं, वो सबसे हसीन, थोड़ा रहम कर ए दिल नशीन, या ले चल गई जितनी वो जालिम में उतना सखी, वो माने नहीं, थोड़ा रहम कर ए दिल नशीन। तू सबसे हसीन, she wanna dance to this, she wanna make me beg for it, वो चले मेरी एक्सेस से, कहती you had a chance you missed, talk of the city I'm the king right now, bye Yunus bhai, you just talked about red flags, if you're a red flag stay away from me in the last track bhai, bahut be very careful jo aap yahan pe picture paint kar rahe ho about whoever this pretty woman is bhai, be very careful bro. Chance you missed, talk of the city I'm the king right now, girls in my DM baby tell me why not, rahun tujhse real I got deals right now, I know what you feel what you need right now, baatein pakadte samajh na sake wo, uljhe rahe khud se bach na sake wo, nasha uski aankhon mein kuch na kare wo, ye chehra kitabi par padh na sake wo, khushboo hawaon mein bikhri teri, meri tasveerein sheher bhar lagi, to wo sharma ke wahan se chali, main uski zarurat wo mera yakeen, nikle wo ghar se sab nazar जब शुरू होता है वर्स, यू कैन टेल की वर्स शुरू हुआ, बट वापस जब वर्स से ही वेंट बैक इन टू द हुक, इट वाज हार्ड टू टेल बिकॉज़ वो सेम राइम स्कीम पकड़ के ही एंडेड द वर्स, और समझ ही नहीं आया कि अरे भाई हुक भी आ गया यहाँ पे, देखो ये सेम राइम स्कीम के साथ। आगे वहां से चली, मैं उसकी जरूरत वो मेरा यकीन, निकले वो घर से सब नजरे वहीं, वो सबसे हसीन, थोड़ा रहम कर ए दिल नशीन, या ले चल गई जितनी वो जालिम में उतना सखी, वो माने नहीं, थोड़ा रहम कर ए दिल नशीन। तू सबसे हसीन, भाई कितना लंबा 45 मिनट्स यहाँ हो गए, और फिर मैंने एक दूसरा भी पार्ट बना, तो 2 घंटे से ज़्यादा चला जाएगा ये वीडियो। मूविंग ऑन भाई, नेक्स्ट ट्रैक, टेक योर टाइम, Yunus भाई, जोखे भाई एंड JJ47, लेट्स गो भाई। देयर्स अ लॉट ऑफ डांसिंग इन्वॉल्व इन द बीट्स इन ऑल ऑफ दीज ट्रैक्स, जस्ट अपार्ट फ्रॉम कॉन्सेस प्रॉब्ली बोल, प्रॉब्ली नहीं, नॉट इवन बोल, प्रॉब्ली देख ले, इज द ओनली ट्रैक जहाँ पे मतलब यू कांट मूव टू इट प्रॉब्ली, मतलब excuse me, only मतलब देख ले इज अ ट्रैक जहां पे इट्स लाइक यू कांट डांस टू इट,
प्रॉब्ली, बट बाकी सब इट्स लाइक वेरी बाउंसी, वेरी ग्रूवी. पता है चीज क्या है, जोखे इज वेरी क्रिएटिव विद द कॉर्ड्स ही चूजेस, विद द मेलोडीज दैट ही गोस. जो डायरेक्शन जोखे देता है ना म्यूजिक को, इट्स लाइक देयर सो मच दैट कैन बी डन विद द मेलोडीज. एंड वही मेरे को लगता है कि इसका फुल पोटेंशियल, भाई इसका फुल पोटेंशियल चाहिए मेरे को. Take your time. I know it's on your mind, girl. Take your time. कितना जैजी, कितना जैजी है भाई. रंजिशी सही उलझी है जिंदगी, सोचोगे कभी नहीं रोकेंगे अभी. लेकिन ख्वाबों से उम्मीद मैं पहले से ज़हीन, मेरी लहरों से बनी किया गैरों पे यकीन. क्या दिल जलों से हो गुफ्तगु, क्या ये लब से ले. अस्वस्थ हूँ तेरे मशवरों से मैं, लुत्फ लूँ कैसी मंजिलें, कैसी जुस्तजू, कैसे लम्हे सारे तुम भूल गए. जब भी पास आते तुम दूर गए, रहते बादलों में सुरूर में. क्या नशे में तुम जी हुजूर हैं, मेरी जेब सारे खंगाल थे. मेरे लफ्ज तुझ पे उधार थे, आदतें ये बिगाड़ गए, खुद बन गए हो दीवार से. क्या मिसाल दें पहाड़ दे, घोड़े तितलियां दिल के बाग में, खुद को कैसे सुधार दे. जब रूठ गए दिन बाहर के, दिल फटने लगा, कुछ बातें रह गई. कभी दे तो कोई वजह, क्यों आंखें बह रही. ना दे खुद को ये सजा. क्या क्या क्रिएटिव इंस्ट्रूमेंटल है भाई. शिट मैन, ये बंदा क्या नहीं कर सकता यार. कह रही अब सोचूं हर सुबह, क्या मुझ में कोई कमी. देखो बात सुनो, बैठो कुछ बदल के देखो. तुम इस कंफर्ट जोन से निकल के देखो, भले आज में रहो ख्वाब कल के देखो. कभी खुद के भी पैरों पे चल के देखो, पहले तुम मेरी हसल के देखो, मेरी आंखों के नीचे के हल्के देखो. क्या क्या बोल रहे हो, स्प्लिट पर्सनालिटी का ब्लेम दे रहा है भाई. जे जे भाई अपने को बोल रहे, अपने जूतों में खुद चल के देखो. ब्रो व्हाट द फक आई हैव बीन डूइंग ऑल माय लाइफ. कभी खुद के भी पैरों पे चल के देखो पहले. नहीं नहीं भाई, जोक्स अपार्ट, आई नो व्हाट ही मींस. इट्स लाइक एक्सेप्ट योरसेल्फ, और लाइक नो हु यू आर, नो योर आइडेंटिटी एंड एक्सेप्ट योरसेल्फ. वहां से मूव नोइंग हु यू आर. लाइक अपने जूतों में चल के देखो, आज में रहो लेकिन ख्वाब कल के देखो. तुम मेरी हसल के देखो, मेरी आंखों के नीचे के हल्के देखो. कभी सूरज की तरह भी ढल के देखो, ये चिराग नहीं बेशक मसल के देखो. शी बी डांसिंग ऑन द फ्लोर जैसे गोली. ओए ओए ओए, ये क्या बोल रहे हो भैया, ये क्या मसल. सूरज की तरह भी ढल के देखो, ये चिराग नहीं बेशक मसल के देखो. शी बी डांसिंग ऑन द. मसल के देखो, शी बी डांसिंग ऑन द फ्लोर जैसे गोली था पीटी वे शैंपेन्स खोले बना शैंपेन पापी. मेरी जान मेरे शैंपेन पापी लोग का ब्रेक का दूसरा नाम. सेल्फ दे दे खुद को माफी. वाह, देखा हुआ शहर से शहर है, पर तेरी अदा खैर से कह रहा है.
तुझे देख भी ना लाजिम है पर मेरी जान जहर तो जहर है अभी खून बने हुए कितने ढीठ बने हुए फ्लोइंग ऑन द बीट संगीत बने हुए हाइस इन द रूम हम एलीट बने हुए तुम एक रॉक बने हुए हम एक नीट बने हुए गलियों में बजते हैं एक क्या कौन क्या बना एक मिनट भाई फ्लोइंग ऑन द बीट संगीत तुझे देख भी ना लाजिम है पर मेरी जान जहर तो जहर है अभी खून बने हुए कितने ढीठ बने हुए फ्लोइंग ऑन द बीट संगीत बने हुए हाइस इन द रूम हम एलीट बने हुए तुम एक रॉक बने हुए हम एक नीट बने हुए क्या तुम एक रॉक बने हुए हम एक क्या बने हुए हम एक नीट बने हुए रूम हम एलीट बने हुए तुम एक रॉक बने हुए हम एक नीट बने हुए गलियों में बजते हैं स्ट्रीट तुम एक रॉक बने हुए हम एक बीट बने हुए हम एक नीट बने हुए आई डोंट गेट दैट पार्ट हाईएस्ट इन द रूम हम सब एलीट बने हुए इस बड़ा टाइम हो गया है जो कि बीट बने हुए कोई हीट बने हुए कोई रिपीट बने हुए मुझे लिखना पड़ेगा अभी जीत बने हुए चल ये दिल फटने लगा कुछ बातें रह गई ये कुछ दे तो कोई वजह ये गाना कुछ अलग वाइब बनाया समझे बह रही ना दे खुद को ये सजा ये रातें कह रही अब सोचूं हर सुबह बाय शिट क्या मुझ में कोई कमी अबे यार शिट भाई When this track started, I had no idea कि ये ऐसे मेरे दिमाग में घुसेगा bro. I would say देख ले, take your time, don't care. हमने सुन रखा है भाई, ये वीडियो बहुत लंबा हो रहा है, मैंने उस पर अलग से वीडियो बनाया, so we are gonna skip that track right now, and we are gonna listen to चल पड़े and check what, ठीक है? But I feel देख ले, take your time, don't care. भाई ये album से top end, आगे सुन लेते, फिर बोलेंगे. सॉरी भाई अंडरस्टैंड मैंने बोला था कि पूरे एल्बम को एक साइड से सुनेंगे एंड फ्रेश माइंडसेट बट यार बहुत लंबा वीडियो होगा करंट भी चला गया बीच में सो अनफॉर्चुनेटली बट डोंट केयर का पूरा वीडियो मेरे चैनल में पड़ा है डेडिकेटेड यू कैन गो एंड चेक दैट आउट टू नो माय थॉट्स कुचल लिए मेरे अरमानों को क्या कागज की कमी कर दिया तेरे मेहमानों को कोई मुखलिसी नहीं से आई से दुखी मिटाने दो रहूं जिंदा मैं कहीं इजाजत तो दिल को बहराने दो अगर खुश किस्मत नहीं जब आती मौत तो वो देती नहीं दस्तक अहले दिल हर आजिज़ी अर्ज कर ऐसा लगे जैसे खो चुका ब्रश कर क्या कमाल ऐसे जीने में फिर बच कर ये बातें नाजिल होती अर्श से बादलों में रहते बारिशों की तरह बरसे क्या वो चुके अमर से आज भी तेरी सादगी पे मरते फिर चल पड़े क्या रस्ते नए हम दोस्त रह गए क्या आप सब कुछ कह गए फिर चल पड़े उन यादों के लिए तेरे वादों से गले रही वो चाहते बुलाना तो लड़ते रहे हसरतें बढ़ती गईं फुर्सत नहीं खुद तो डरते रहे क्या करते आगे इस बुलंदी पे अब ये नजारे भी हल्के लगे हम तो मुसाफिर खिजा के ये पत्ते तो खुद ब खुद झड़ने लगे खामोशी से यारी मेरी जितने भी टूटे बेचारी वही हुजूम गम में ही थे गुम गई और वो कहती मैं तुम्हारी नहीं वक्त के गुलाम हुए कहना चाहते बहुत कुछ जान के अनजान हुए जाम खाली किए मैंने कितने तेरे नाम पे तू ही मेरा नशा और सुरूर ये भी जानते तू मेरा गुरूर सब तुझसे शुरू तू ही जैसे मंजिल तू ही मेरी भूल जो क्या भाई डू योर मैजिक भाई डू योर मैजिक भाई हो तुझसे दुलू हो तुझ पे क्या ये रास्ते नए हम तो अस्त रह गए
अब सब कुछ कह गए, फिर चल पड़े उन यादों के लिए। ओ भाई तेरे वादों से गिले, सिर्फ ख्वाबों में मिले, फिर चल पड़े। ओ भाई मजा आ गया, मजा आ गया, मजा आ गया भाई, मजा आ गया ब्रो, ये कुछ तो अलग ही है भाई। इतना ज्यादा आई थिंक देयर इज अ लॉट ऑफ एक्सपेरिमेंटेशन, अ लॉट ऑफ डिफरेंट जॉनर्स ऑन दिस साइड बी भाई। प्रॉपर हिप हॉप ट्रैक बस एक ही है देख ले, बाकी सब कुछ मतलब इट्स डिफरेंट बीट्स, डिफरेंट जॉनर्स, बहुत सब मतलब बहुत अलग अलग चीजें हो रही है ब्रो। इंटरेस्टिंग इंटरेस्टिंग। चलो खत्म करके आई विल टेल यू माय ओवरऑल व्यूज अबाउट दिस एल्बम। शिकवा भाई लेट्स गो। क्या भाई, ओह माय गॉड, आई एम प्रीटी श्योर यूनुस वाज इन द स्टूडियो लाइक भाई तू मेरे से ये भी करवाएगा, तू अब मेरे से ये भी करवाएगा, डैम भाई। फुल बेडरूम पॉप भाई, आ जाओ बेडरूम पॉप फीचरिंग यूनुस। क्या ही शिकवा करें फिर, तेरी गलती नहीं है हर गजल से मुतासर। भाई मैंने बोला यूनिस भाई मेलोडीज पे थोड़ा मतलब कम अप विद न्यू फ्रेश मेलोडीज, इट टुक इट टू हार्ट भाई। ये दुनिया जलती रही है कश्तियों के मुसाफिर, आई एम आउट हियर लुकिंग लाइक अ स्टूपिड पॉप भाई, क्या बात है भाई, लेट्स गो। खुशियों के कातिल वो समझती नहीं है, क्या मेरी बस हो गई या तू लत कोई, उम्मीदें सब सो गई, जमीन मगर छत तो नहीं, तेरी भी क्या बस हो गई या कुछ भी तेरे बस में नहीं, बोले मैं सुनता नहीं कभी, तू मेरा रब तो नहीं, ना दे वो साथ तो ये साथ ला बताए। बोली तो सुनती नहीं तू, बोली क्या सुनती नहीं मैं तेरा, तू मेरा रब तो, एक सेकंड एक सेकंड। This is another example of the punchline and the setup making sense together. Kabhi tu mera rab do ya kuch bhi tere bas mein nahi, bole main sunta nahi kabhi, tu mera rab do nahi na de wo saath to ye saath la, boli main sunta nahi kabhi, tu mera rab do nahi, ha so you're not my god so why would I listen to you all the time. So dekho this is it's like the setup jo punchline hai together they're making a lot more sense. बताए वाए बिन बुलाए ऐसे ख्वाब भी ना आए, शाम ही सुबह मेरी रात क्यों ना आए, जहाँ खुशबुए गुलाब की वह याद तू ही आए, सहारा बने तो किनारा कशी, तेरे बिन मेरा गुजारा नहीं, रौनक नहीं सुनी दिल की गली, मतलब के तूने फिर आना नहीं, क्या ही शिकवा करें फिर, मेरी गलती नहीं है हर गजल से मुतासर, ये दुनिया जलती रही है कश्तियों के मुसाफिर, सबसे बनती नहीं है अपनी खुशियों के कातिल, वो समझती नहीं है, मुस्कुरा दे अगर वो ये दुनिया। भाई ये भाई is listening to what I'm thinking in my head, और भाई मेरा अब मेरे बोलने के पहले ही बंदा कर जा रहा है भाई। So in this bit सबसे बनती नहीं है कश्तियों के मुसाफिर, सबसे बनती नहीं है अपनी खुशियों के कातिल, वो समझती नहीं है, क्या खुशियों के कातिल अग्नि, सबसे बनती नहीं है अपनी खुशियों के कातिल, वो समझती नहीं है, मुस्कुरा दे अगर वो। इन माय हेड आई वाज लाइक यूनुस के वोकल्स के साथ अगर एक हायर हारमोनी होना उसके सेम मतलब विद हिज वोकल्स, एक हायर हारमोनी हो दैट्स गोना ऐड अ लॉट मोर अटैक इंपैक्ट एंड इमोशन इन द ट्रैक, एंड हियर इज ही इज हिटिंग द हायर नोट्स ओवर हियर। दुनिया रुक सी गई है बट माय पॉइंट स्टिल स्टैंड्स वैलिड, इतने लेयर्स में कि बातें छुपती नहीं है, हम छुपाए आंखों में वो तो हंसती रही है, मिलते तुझसे क्या ख्वाबों में,
बातें करती नहीं, वो बस्ती जिस दिल में वो बस्ती उजड़ गई, सरोरा भारी क्या सर पे तू चढ़ गई, भी बेशक जितनी वो सारी उतर गई, जब भी तू मेरे लिए दुनिया से लड़ गई, पूछते नाल सारे पूछते सवाल, तितलियों के बाग में तो फूल थे हजार, रूप थे हजार, क्या ही ढूंढते बाजार, देगी वो मिसाल मेरे टूटने के बाद, मैं तेरे इंतजार में हूँ, दिलों में दिमाग में हूँ, किरणों की कतार में हूँ, मैं तेरी हर पुकार में हूँ, चांद बन के छुप गई है पीछे बादलों के, क्या हो चुके गुलाम अपनी आदतों के, खुद से सादगी का वादा सर पे हाथ भी खुदा का, और वो कर चुके शुमार मेरा पागलों में, क्या ही शिकवा करें फिर, मेरी गलती नहीं है, वो हर गजल से मुतासर, ये दुनिया जलती रही है, कश्तियों के मुसाफिर सबसे बनती नहीं है, अपनी खुशियों के कातिल वो समझती नहीं है। हाय मैड भाई, क्या अजीब भाई, क्या अजीब, वेरी इंटरेस्टिंग ब्रो, वेरी, मतलब हु वुड से दिस इज दैट यूनिस। चलो लेट मी से द ट्रैक्स टुडे लाइक द मोस्ट फ्रॉम साइड बी, एक तो देख ले है, टेक योर टाइम इज अ वेरी, मतलब बहुत सरप्राइजिंग है कि ट्रैक व्हेन वी स्टार्टेड ऑफ इतना जैजी बीट, इज लाइक इट्स गॉट सम ब्राजीलियन ड्रम, मतलब ड्रम पैटर्न, या मेरे को ये स्पैनिश ब्राजीलियन टैंगो इसमें मैं थोड़ा कंफ्यूजन होता है, सो इट्स प्रॉब्ली वन ऑफ दोज, उसका थोड़ा सा पैटर्न है, देयर सम जैज एलिमेंट्स इन वर्ल्ड, JJ47 came in and added some like different flavor to the track. Take your time is something interesting that I have to go back to. Dekh le something, jo matlab Yunus is good at that. So matlab wo it's not up for debate. Wo ekdam on point gaya track. Don't care is the track that I've listened. Uske baad honestly maine suna nahi hai track, but I remember when I listened to the track, it was like it really did hit me. So I'll go back to that track. Chal pade shikwa bhai, dono itna something. I don't think Yunus has ever done something in this zone. Not at least in the last 5-6 years. जितना मेरे को पता है, चल पड़े is थोड़ा सा like it moves towards rock. Shikwa is something towards bedroom, alt rock towards something like bedroom pop, something like that. जो मेरे को मतलब Shikwa के जैसा track, I don't feel like मतलब mainstream rapper जो भी है किसी ने अब तक try किया है वो. So that is interesting. देखो पहला track acoustic है. And then there's Don't Care, which is a Jersey Club track. Chal Pade is a rock track. Shikwa is a... Chal Pade also had like some synthwave elements in it. Shikwa is a track which is bedroom pop. So, is pure side B mein, there's like a lot of experimentation going on. Which, matlab, jo, matlab, bahut maza aaya mere ko. Like production mein, approaching the track, mere ko bahut maza aaya. I just feel like lyrically, कुछ पार्ट्स में कुछ और थोड़ा एफर्ट्स दिया जा सकता था, विच आई हैव सीन यूनिस डूइंग. अब देखो भाई, कोई ऐसा आर्टिस्ट होगा जिसको मैंने कब तक कभी सुना नहीं है, अभी पहली बार सुन रहा हूँ, पहली दूसरी बार सुन रहा हूँ, तो आईड बी लाइक हाँ ठीक है, मतलब हाँ समथिंग नाइस दैट इज डूइंग. बट यूनिस को आई हैव बीन, डूड ये चैनल शुरू हुआ तब से यूनिस इज बीन देयर, वी हैव बीन लिसनिंग टू यूनिस, सो आई कांट बी अनफेयर टू दिस गाय एंड जस्ट बॉब माई हेड एंड बी लाइक शीप एंड जस्ट बी लाइक हाँ भाई जो भी है बढ़िया. कांट बिकॉज you know we go way back, so just coming from there, yaar, I hope I don't come off as just another hater, because I am not, rather matlab I have got mad love and mad respect bhai. So matlab hopefully ye samajh mein aa raha hai ki main kahan se bol raha hu ye cheeze. Ek cheez to mere ko laga for Chal Pade and Shikwa, for both of these tracks, these are not matlab ye hip hop se bahut dur hai dono tracks. सो आई फील लाइक जो मिक्स था उसको थोड़ा चल पड़े में नहीं, चल पड़े के एंड में वो जो वोकोडर जो भी वो इफेक्ट आया, दैट मतलब दैट चेंज द वाइब. सो आई फील लाइक जस्ट लाइक दैट इन दोनों ट्रैक्स को थोड़े अलग तरीके से अगर वोकल अरेंजमेंट्स या मिक्स से थोड़ा अलग, हिप हॉप मिक्स से थोड़ा अलग तरीके से अगर अप्रोच किया जा सकता था, एंड यूनिस के वोकल का रेंज अगर यूज करके इसमें थोड़ा सा टू हैव लाइक अ डिफरेंट अप्रोच टूवर्ड्स लाइक जो के इज अ प्रोड्यूसर. He knows how to do these things, so he knows much more than this how to do these things. Like, मतलब वो रहता तो इन दोनों tracks को ना मतलब mainstream artist के experimentation का benchmark बना सकते थे कि something is even take your time dude. That's like मतलब एक ऐसे jazzy progression में, jazzy production में
लाइक मेनस्ट्रीम में इट्स नॉट इजी फॉर पीपल टू डू दिस. बाकी यार साइडे सुनेंगे एंड वी गोना टॉक अबाउट दैट कि क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा है. आई जस्ट मतलब दैट्स अबाउट इट भाई. लाइक आई सेड जो ट्रैक्स लाइक विल आई गो बैक टू इज देख ले टेक योर टाइम डोंट केयर एंड शिकवा चल पड़े इज आई गॉट गिव इट सम थॉट. इट्स नॉट लाइक इट्स नॉट देयर येट फॉर मी बट दैट्स अबाउट इट यार. ओवरऑल आई थिंक यार आई अंडरस्टैंड भाई मतलब एक एल्बम के पीछे इतना एफर्ट जाता है ना स्पेशली व्हेन यू हैव पुट आउट लाइक सो मेनी प्रोजेक्ट्स देयर सो मच एक्सपेक्टेशन ऑन यू. सो मतलब आई डू नॉट हैव द राइट टू से कि ये एल्बम अच्छा है ये एल्बम बुरा है बिकॉज देयर सो मच हार्ट एंड सोल गोइंग इन टू मेकिंग सो मेनी ट्रैक्स especially when you're writing from your heart and it's not matlab you're not like a commercial machine who's just putting out music so that you know you can make money off of it. So matlab honestly it feels unfair to just listen matlab yahi unfair hai ki main pehli baar aake yahan pe sun raha hu. I'm passing comments about anything that can be done better wo matlab but again it's the trend in like this whole reaction review community ki pehli baar aake sunna chahiye. agar nahi hota to main ye album pehle sunta I would have collected my thoughts aur fir मैं फ्रेश आके अलग से सबके साथ यहाँ पे सुनता दैट इज समथिंग दैट आई वुड हैव प्रेफर्ड डूइंग बट आई नो दैट इज नॉट हाउ दिस वर्क्स. प्रॉब्ली करेंगे यार बाद में अपना कोर्स हम खुद से बनाएंगे कि ऐसे करना है बट अपना चैनल पहले रिवाइव कर लेते इतना डेड पड़ा है चैनल इतने टाइम से. बट सम पीपल हैव बीन सेइंग मैंने देखा यार कॉमेंट्स में कि यूनेस को साइड लाइन किया जा रहा है. आई डोंट नो व्हाट पीपल आर डूइंग डूड इट्स दैट इज नॉट द वे इट इज अपने चैनल पे मेरे यहाँ पे भाई बिकॉज मैं यूजुअली एल्बम्स लाइव स्ट्रीम कर देता हूँ बट आई मतलब इट्स हार्डर टू डू व्हेन यू आर लिसनिंग टू एन एल्बम बिकॉज तुम लोग जब देखोगे यू विल बी लाइक कि मैं बात कर रहा हूँ तो सुन रहे हो बट व्हेन आई एम ओवर हियर आई एम लिटरली टॉकिंग टू अ कैमरा देयर इज नोबडी इन दिस रूम एंड आई एम जस्ट टॉकिंग टू घोस्ट्स. सो एक पूरा एल्बम ऐसे सुनना बट आई आई वॉन्ट टू गिव दैट एफर्ट व्हेन इट कम्स टू आर्टिस्ट हु गो वे बैक विद मी ऑन दिस चैनल. सो यार वो मिसकंसेप्शन है यार ये चीज़ हटा दो. इट्स नॉट लाइक दैट मतलब आई हैव सो मच रिस्पेक्ट फॉर दीज आर्टिस्ट जिनको मैंने इतने टाइम से सुन के आया हूँ जिनका ग्रोथ मैंने अपने आंखों के सामने देखा है. तुम लोगों की तरह हैव अ डिफरेंट जो अटैचमेंट तुम लोग फील करते हो सेम अटैचमेंट मेरे को भी है. सो मतलब वो मतलब डू नॉट हैव दैट कंफ्यूजन ऑफ हेट के आसपास भी कुछ नहीं है. इट्स जस्ट मैड लव मैड रिस्पेक्ट एंड शायद वहीं से शायद उसी जगह से मेरे को कहीं पर एक फीलिंग आता है कि आई हैव दैट राइट टू से कि भाई मेरे को ये चाहिए यहाँ पे मेरे को ये मिसिंग लग रहा है. आई वॉन्ट दैट यूनिट्स बैक आई वॉन्ट दैट यूनिट्स बैक. एट द सेम टाइम आई एम जस्ट अनदर लिसनर सो नो आर्टिस्ट हैज गॉट एनीथिंग टू डू विथ मी. इट्स जस्ट मी लाइक इफ यू वॉन्ट टू लुक एट इट दैट वे इट्स जस्ट मी थ्रोइंग रैंडम कॉमेंट्स ऑन द इंटरनेट. सो मतलब बट इफ यू कैन सी पास्ट दैट एंड समवन लाइक हू रियली लाइक्स आर्ट एंड आई हैव रिस्पेक्ट फॉर आर्टिस्ट तभी मैं आके इतना एफर्ट देके इतनी चीज़ें बोलता हूँ दिल की बातें. दिस इज मी बीइंग वेरी वल्नरेबल ब्रो. अगर मैं क्या बोलते हैं डिप्लोमेट होता तो मैं हर आर्टिस्ट को हाँ के ब्रो हाँ बहुत बढ़िया होता है फिर डीएम में जाके बोलता कि भाई मेरे को फीचर दे दो. तुमको लगता है इतना बकवास करने के बाद आई वुड एवर बी एबल टू लाइक गो अप टू यूनिसन बी लाइक भाई मेरे को फीचर दे दो अंटिल अनलेस वी हैव अ कॉन्वर्सेशन बिल्ड दैट रैप ऑन आई नो दैट ही नोज व्हाट आई एम टॉकिंग अबाउट. सो ये चीज दीज लाइक ये डिलेमा है मेरे लाइफ में कि भाई ओवर हियर आई एम ट्राइंग टू डू जस्टिस when I'm listening to music over here I'm trying to make music for myself and have connections in the industry taki main apne career ko aage leke ja pao but at the same time I can't be unfair like I can't be fake to any of these sides. So bhai just mere side mein raho samjho main jo karna cha raha hu over here. That's about it man. Thank you so much for watching this video. Playlist potential meter pe I think this album will be a 6.5. भाई अगर किसी को नहीं पता है प्लेलिस्ट पोटेंशियल मीटर क्या है प्लीज़ भाई कमेंट में प्लीज़ समझा दो. इट्स नॉट मी रेटिंग द एल्बम और ट्रैक कितना अच्छा कितना बुरा है. इट्स जस्ट ये एल्बम मेरे प्लेलिस्ट में जाने का कितना पोटेंशियल रखता है और उस प्लेलिस्ट का लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में है. यू कैन गो एंड चेक व्हाट ट्रैक मेड इट टू द प्लेलिस्ट व्हाट नॉट बिकॉज वो बस हिप हॉप तक सीमित नहीं है वो प्लेलिस्ट. इट्स लाइक आई लिसन टू व्हाटएवर लाइक स्टार्टिंग फ्रॉम गजल्स टू जो भी पियानो जैज हिप हॉप सब कुछ वहाँ पे. सो इफ अगर पागलों की तरह ट्रैक लूप पे है वो ट्रैक वहां पे जाता है. सो ऑन दैट स्केल दिस एल्बम इज 6.5 उसमें से स्पेसिफिकली सबसे ज्यादा पोटेंशियल आई थिंक देख ले हैज द पोटेंशियल टू गो इनटू दैट प्लेलिस्ट एंड डोंट केयर आल्सो आई नीड टू गो बैक टू दैट टेक योर टाइम आई नीड टू टेक माय टाइम ऑन दैट ट्रैक बिकॉज आई एम सो कंफ्यूज्ड कि भाई क्या हो गया उस ट्रैक पे.
दैट्स अबाउट इट यार, इतना लंबा वीडियो बन गया, इतना तो ओपन लेटर पे नहीं बना था इससे, मतलब आई डोंट नो, मतलब दैट्स व्हाट लव डस। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, थैंक यू सो मच फॉर द लव एंड सपोर्ट यार। इफ यू हैव नॉट वॉच्ड अदर वीडियोज, अदर लाइव स्ट्रीम्स एंड अदर एल्बम बिंजेस, यू कैन गो ओवर देयर एंड डू दैट। वीडियो के एंड में मैं टैग्स डाल दूंगा। थैंक यू सो मच वंस अगेन, लव द स्ट्रेस फैमिली शो बाय बिग स्क्रैच एंड आई एम आउट। जो दरारे हम में बने वो आंसुओं से हमने सवार, साथ तुम अब जो ना रहे।